इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्क्राइब सर्कल क्या होते हैं और फिर हम उसका रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर एस्क्राइब सर्कल्स। तो एस्क्राइब सर्कल्स मतलब एस्क्राइब सर्कल मतलब अ सर्कल फॉर्म्ड व्हेन इट टचेस अ साइड of a triangle and the other two sides and the other two sides when extended। इसका मतलब एक बेस, कोई भी एक साइड को बेस लेकर अगर हम उस पर सर्कल बनाएं और वो दोनों बाकी दोनों साइड्स को एक्सटेंड करने पे भी टच कर रहा हो तो वो होता है हमारा एस्क्राइब सर्कल। तो अगर हम देखें हम इसको फॉर्म करते कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज वर्टेक्स ए बी एंड सी, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको हमने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, ये ए बी सी है, इसको हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एंड अब इसको एक्सटेंड कर दिया। तो कोई एक सर्कल है जो इस तरह से फॉर्म होगा जो ये तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, ठीक है, तो ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सर्कल। तो इसको हम ले लेते हैं, ये सर्कल है हमारा सी वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ऐसा सर्कल होगा जो तीनों साइड्स को इस तरह से टच कर रहा हो, तो ये है सर्कल सी टू। एंड यहाँ पे इस तरह से कोई सर्कल होगा जो यहाँ पे इन तीनों साइड्स को टच कर रहे हो, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा सी थ्री। तो ये जो सेंटर है इसका सी टू है, इसका सेंटर सी थ्री है, और ये सेंटर हमने ले लिया सी वन। तो जो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो बनता है सर्कल उसको हम बोलते हैं एक्स सर्कल ऑफ ए, ठीक है, और इसका जो रेडाई होता है उसको हम बोलते हैं एक्स रेडाई। अगर वो एक्स सर्कल ऑफ ए है तो उसका एक्स रेडाई होगा आर वन। तो ये जो डिस्टेंस है ये आर वन के इक्वल है। जो वर्टेक्स बी के ऑपोजिट मतलब जो सी थ्री है हमारा, तो वो जो एक सर्कल ऑफ ए है ये एक सर्कल ऑफ बी है, एक सर्कल ऑफ ए हमारा सी वन है, एक सर्कल ऑफ बी हमारा सी थ्री, और इसका जो एक्स रेडाई है एक्स रेडाई इसको हम बोलते हैं आर टू। तो ये हो गया हमारा आर टू। एंड जो एक सर्कल होता है इन ऑफ सी मतलब जो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट बन रहा हो उसे हम बोलते हैं एक सर्कल ऑफ सी, इस केस में सी टू है, तो इसका जो एक्स रेडाई है ये हो जाएगा आर थ्री के इक्वल। तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू आर थ्री। सो इस वीडियो में हमने देखा कि एस्क्राइब सर्कल क्या होता है। अगर कोई एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल को बेस लेके जो सर्कल बना बाकी दोनों साइड्स को वो एक्सटेंड होने पर टच करे तो वो एस्क्राइब सर्कल होता है। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो सर्कल होता है हमारा उसको बोलता है एक्स सर्कल ऑफ ए, उसके सेंटर को एक्स सेंटर बोलते हैं, और उसका जो रेडियस है एक्स रेडाई वो आर अपन होता है। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो सर्कल है उसको बोलते हैं एक्स सर्कल ऑफ बी, और उसका जो एक्स रेडाई है वो है आर टू। एंड जो वर्टेक्स सी के ऑपोजिट सर्कल है दैट इज एक्स सर्कल ऑफ सी, और उसका रेडाई है आर थ्री। तो ये हमारे एक्स रेडियस हो गए एंड एक्स सेंटर्स एक्स सर्कल के बारे में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे आर वन आर टू आर थ्री को रिलेटेड जो भी प्रूफ्स होते हैं वो देखेंगे।